नमस्कार, मैं हूं रिचा और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ बुलेटिन की। लक्सर कोतवाली क्षेत्र स्थित एक गांव से फरार हुए प्रेमी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। हिंदुवादी संगठनों ने महापंचायत बुलाने की चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद हरकत में आई पुलिस ने युवक युवती को पंजाब से बरामद किया और लक्सर के लिए रवाना हुई। लक्सर में बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने उपभोक्ताओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा की नई शाखा का शुभारंभ किया है। आपको बता दें तो बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पिछले कई वर्षों से लक्सर में संचालित है, लेकिन उसमें सुविधाओं का अभाव होने के चलते बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों को संतुष्ट सेवाएं नहीं दे पा रहा था, जिसकी कमी बैंक प्रशासन को महसूस हो रही थी। बैंक ऑफ बड़ौदा में ग्राहकों को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए शाखा के लिए एक बड़े परिसर का चयन किया गया, जिसको शाखा में बदल दिया। इस भवन में बैंक ऑफ बड़ौदा अपने ग्राहकों को अब वो सभी से सुविधाएं देगा जो पहले उनके पास नहीं हुआ करती थी। ये ब्रांच का उद्घाटन आज नहीं हुआ, ब्रांच के नए परिसर का उद्घाटन हुआ। ये ब्रांच पहले से लक्सर में थी, आज ये यहाँ पे ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे शिफ्ट किए हैं और ये नए प्रमाइसेस में लेके आए हैं। यहाँ पे ग्राहकों के लिए बेहतर सुविधाएं हैं जो पहले ब्रांच में हम लोग नहीं दे पा रहे थे बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट। तो अब वो सारी जो असुविधा थी उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसको यहाँ शिफ्ट किया है। बाकी बैंकिंग सुविधाएं जितनी भी पहले जो शाखाएं देती थी वो सुविधाएं यहाँ पे और उपलब्ध है, वही सुविधाएं यहाँ भी उपलब्ध है और बेहतर रूप से आपको सर्विस देने के लिए इसे वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया। यूपी में अतीक हत्याकांड के बाद हरिद्वार में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हरिद्वार जनपद की सीमाएं यूपी के मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बिजनौर जैसे जनपदों से लगती हैं, लिहाजा सीमाओं पर जहां कड़ी चौकसी बरती जा रही है, वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में पीएसी की तैनाती कर दी गई है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, ऐसे में बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, लिहाजा सोशल मीडिया और अफवाहों को लेकर खुफिया विभाग ने पूरी तरह से नजर बनाई हुई है। जिले में यूपी की ओर से आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कल शूटआउट की घटना हुई थी, उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड की जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूंकि चार धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहाँ पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए, इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियाँ लगाई गई। आपको बता दें, रुड़की के बाजूहेड़ी से बेलड़ा जाने वाले मार्ग पर जिला पंचायत निधि से खेतों पर जाने के लिए इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण चलाया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने ठेकेदार के निर्माण कार्य में भारी अनियमितता के आरोप लगाए हैं, जिसकी जानकारी मिलने पर जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने मौके पर जाकर सड़क का निरीक्षण किया, जिसमें उन्हें काफी खामियां मिली। अब उन्होंने दोबारा सड़क उखाड़ कर पूरी गुणवत्ता के साथ बनाने के आदेश दिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद, आपने हमको कुछ बात बताई, हमने उसका जब भी हाथ किया उसका संज्ञान लिया। मैं और मेरी टीम मौके पर पहुंची, ठेकेदार द्वारा गलत हो रहा था वो हमने जब भी पकड़ा, जब भी वहाँ से हमने अपने इंजीनियर बुलाए और उस काम को ठीक करवाने का आदेश करे और उसका हमने खुद निरीक्षण करा, खुद उसकी जांच करी, हमारे साथ में जेई बीते जी ने भी जांच कराई, तो जो कमी प्रति जा रही थी वो हमने पूरी कराई। मामला तो है, मैं जाके बोला भी था तो वो जो ठेकेदार मुन्ना सिंह उसने मुझे रोक दिया बड़ी प्रॉपर्टी का, कहने जी मेरे पास प्रॉपर्टी इतनी मैं सब छका दूँगा तुझे भी और तुझे उल्टा लटकवा दूँगा। मेरे साथ बदतमीजी करी, मैं ये कहा भाई इनके नीचे कच्चा माल क्यों डाल ले, रेत डाल ले, रेट बिछा रहे।
अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदे के तामाढोन देवी मंदिर प्रांगण में सियालदे तामाढोन बखोती मेले का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन मुख्य अतिथि सल्ट विधायक कुंदन लाल ने किया। मेले में सरस्वती शिशु मंदिर बलमरा और तामाढोन छात्र छात्राओं सहित चंदन मनराल पत्थर खोला की टीम ने सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखाई दिया। विधायक प्रतिनिधि कुंदन लाल ने मेले की समिति अध्यक्ष सदस्यों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही मेले में तामाढोन बलमरा सहित आदि गाँव के ग्रामीणों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि कुंदन लाल सहित आदि लोग मौजूद रहे। शनिवार को बैसाखी मेलों में कोबेश्वर महादेव मेले में क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टमटा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मंदिर समिति ने महिला मंगल दलों के पौराणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें रंग बिरंगे और पारंपरिक परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने शानदार प्रस्तुतियां देकर खूब तालियां बटोरी। महादेव और अन्य देवी देवी और निशानों के देव नृत्य के विराम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते रहे, तो दूसरी ओर भक्तजनों ने महादेव और देवी देवताओं को भेंट चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। और हर साल की तरह ये मेला लगता है और हम चाहते हैं कि इस मेले को और भी भव्य बनाया जाए। यहाँ पर कई निशानी है, जैसे हमारा मंदिर है ये काफ़ी पुराना हो गया है, उसका हम चाहते हैं कि जरूर उद्धार किया जाए। इसके लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और ये मेला जो है बहुत अच्छा कार्यक्रम ग्राम सभा को में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है कोबेश्वर महादेव के प्रांगण में, और बहुत अच्छा हमें लगता है कि आगे हमारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है वो आगे हर वर्षों की हर वर्ष में ऐसे ही तैयारी के साथ हर गांव की महिला मंगल दल द्वारा और बच्चों द्वारा आयोजन के प्रोग्राम आयोजन किया जाए। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया। उत्तराखंड पुलिस की ओर से उत्तर प्रदेश से सटी सभी सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि शनिवार की रात अतीक अहमद और उसके भाई की गोली मारकर हत्या के बाद जैसे ही सूचना मिली तो उन्होंने पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। हमने रात में ही अपने सभी एसपीज और दोनों रेंज आईजी से बात कर ली थी और हमारे उत्तराखंड की पुलिस पूरी तरह अलर्ट है और हमारे यहाँ वैसे भी माहौल शांतिपूर्वक है पूरी तरह से, और मुझे विश्वास है कि हमें शांति बनी रहेगी और कोई भी जो है यूपी का घटनाक्रम हमारे उत्तराखंड की उसको प्रभावित नहीं कर पाएगा माहौल। देहरादून में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर प्रदेश भर में सरकारी कर्मचारियों ने संवैधानिक मार्च निकाला। राजधानी देहरादून में परेड ग्राउंड से शहीद स्थल तक निकले मार्च में सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। वहीं कर्मचारियों ने सिटी मैजिस्ट्रेट कुष्म चौहान के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश में जल्द ओपीएस लागू करने की मांग की। हम सब लोगों की जितने भी 1 अक्टूबर 2005 के बाद उत्तराखंड में जो सरकारी सेवा में नियुक्त हुए कर्मचारी हैं उनकी सब एक सूत्रीय मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, और उसी के लिए विगत 4 वर्षों से एनएमओ पे पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष में पुरानी पेंशन बहाली की मांग करता है, और जिसका परिणाम है कि राजस्थान छत्तीसगढ़ झारखंड और पंजाब एवं हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। और इसी को देखते हुए उत्तराखंड के कर्मचारी अधिकारी शिक्षक एकजुट हो चुके हैं, और जिस तरह से पड़ोसी राज्य हिमाचल में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है आज हमारा कर्मचारी समाज एकजुट हो चुका है, अपने आप को इसने वोट बैंक के रूप में स्थापित कर दिया है और पूरे राजनीतिक दलों को दिखाया है कि जब तक उसने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को स्वीकार नहीं किया उन्हें मुंह की खानी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। हरिद्वार पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने हत्याकांड को लेकर कहा कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में बेईमानी भ्रष्टाचार और माफिया तंत्र खत्म हो, देश को इन सब से मुक्ति मिल रही है,
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार और डर फैलाने वालों के खिलाफ पूरी ताकत से काम किया है और ये कोई छोटी बात नहीं है। वहीं ज्वालापुर से कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने इस हत्याकांड की निंदा की और कहा कि इससे लोकतंत्र की हत्या हुई है और देश का संविधान खतरे में है। मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं भ्रष्टाचार की जड़ें खत्म हो। देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं ये बेमानी भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और ये माफिया तंत्र खत्म हो। आज पूरा देश इस माफिया तंत्र से जो त्रस्त था, आज उससे मुक्ति मिल रही है। बस ठीक है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अब क्या है भाई, मैं तेरे से निपटूंगा, तू मेरे से निमट, तो मुझे लगता नहीं अब कोई वेट करेगा कोर्ट का कि मेरा केस वहाँ चलना चाहिए। अब बस सब अपना सिस्टम बना ले, किसको कहाँ किससे मिलना है, टाइम रख लें, या तो वो रहेगा या वो रहेगा। ये बहुत सारे लोग होंगे, बहुत अब 1-to-1 कर लो और क्या, यही है तो आप चलाइए। अगर कानून व्यवस्था पे अब विश्वास ही नहीं है, हम क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, क्यों खतरे में, वो यही तो लोकतंत्र खतरे में है कि संविधान के हिसाब से कोई चलने को तैयार ही नहीं है। जंगलों में लगने वाली आग और मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने जंगलों में लगने वाली आग और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया। फोर्स में जंगलों से सटे गांवों में रहने वाले ग्रामीणों की भर्ती की गई। आपको बता दें, हरिद्वार के BHEL स्थित सभागार में विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल लोगों के साथ ही राजाजी प्रशासन के कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर साकेत बड़ोला ने वनाग्नि और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए कई आदि और उन्हें सुरक्षा किट भी प्रदान की। गाँव में लोगों को ट्रेन करना और उनकी एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो कि हमारे कई तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, जिसमें कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एक है, जिसमें कि आपदा है, जिसमें फॉरेस्ट फायर है, उसमें वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं, पहली पंक्ति की सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड कर सकें। उसके अंतर्गत जो हमारे हरिद्वार ज़िले में जो एरिया लगा है, जो गाँव लगे हैं, वहाँ पर से कुछ लोगों को चयनित किया गया है जो कि VVPF बना रहे हैं। ये लोग जो हैं उनको यहाँ आज बुलाया गया है, जिनका आज एक अभिमुखीकरण जो कार्रवाई जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें नेशन न्यूज 10। नमस्कार। प्रक्रिया के तहत आज निवर्तमान पार्षदों ने नामांकन